आपको पता ही है आज से मेरा ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है, तो क्या मैम मुझे एक लैपटॉप दिला सकते हो? क्या लैपटॉप? नहीं नहीं बेटा, लैपटॉप उपटॉप बड़े लोगों का काम है, हम गरीब लोग लैपटॉप कहाँ से लेंगे, एक मोबाइल तो खरीद नहीं सकते। इस लॉकडाउन में आधे से ज्यादा काम तो छूट गए हैं, अब जो काम है उसमें मेरा घर का खर्च, राशन और रूम का भाड़ा भी नहीं दे सकती, कहाँ से लाऊंगी लैपटॉप? जितने का लैपटॉप आएगा उतना तो मैं साल भर में कमाती भी नहीं। माँ लेकिन आप ही तो बोलते हो कि मैं अपनी बेटी को पढ़ लिख के डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे लैपटॉप नहीं दोगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे? तो मैं आप क्या इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो? बेटा इंस्टॉलमेंट उन्हीं लोगों का मिलता है जो उसको वापस कर सकता है, मुझे तो कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिलेगा। माँ अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम्स अटेंड नहीं करूंगी तो मैं कैसे आगे जाऊंगी, मैं कैसे फील्ड चूज करूंगी, तब तो मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाऊंगी। मुझे माफ करना बेटा, लगता है तेरे नसीब में भी किसी के घर की नौकरानी बनना लिखा। अरे माँ रो मत। ये कोडिंग बिना मेरे दिमाग में ही नहीं घुसती है, एक तो लॉकडाउन चल रहा है और ऊपर से ये इन वेकेशन में भी हमें कोडिंग करने को बोल रहे हैं, कैसे करूं यार मैं इसको? दीदी आप ये लैपटॉप में क्या कर रहे हो? कोडिंग कर रही हूं। क्या है? अरे वाह ये तो कितना आसान है, तुम्हें पता भी है कोडिंग क्या होता है? जी दीदी आपको पता है गलतियाँ क्या है, आपको पहले हेड टैग लाना था, फिर टाइप कर उसके अंदर डालना था, फिर हेड को क्लोज करना था, ऐसे और इसको शिफ्ट करना है और ये हो गया आपका कोडिंग। अरे वाह तुम तो कितनी स्मार्ट हो, वैसे कब से कर रही हो लेकिन हो ही नहीं रहा था, और तुमने इसे इतना आसान से कर लिया। अच्छा एक काम करो, तुम ना मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें सम भेज देती हूँ, फिर तुम इसे सॉल्व करके मुझे भेज देना। दीदी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। क्या? ए तुमने मॉम डैड को बोल दिया, वो तुम्हें एक लैपटॉप दिला देंगे। मैं बोलती थी लेकिन मेरे मम्मा काम करने दूसरे घर है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो मेरे लिए एक लैपटॉप और पूरे साल की कमाई से ले, और उसके से इंस्टॉलमेंट में भी नहीं ले सकती, और मेरा ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं तुम दुखी मत हो, मेरे पापा ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो कोई ना कोई घर में हमेशा आता रहता है, तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए देखो मैं यहाँ पे आके पढ़ाई की हूँ। तुम्हारे घर में तो शांति होगी ना, तो क्या मैं वहाँ आके पढ़ सकती हूँ? दीदी ऐसा हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता, इसे तुम्हारा लैपटॉप है तुम यूज़ कर पाओगी, ऑनलाइन क्लास भी देख पाओगी और बैठ के अपना कर पाओगी पढ़ाई। दीदी आपको जैसा लगता है वैसा मेरा घर नहीं है, वो तो आपके बाथरूम से भी छोटा होगा। तो क्या हुआ, कहा ना मेरे पापा ना गवर्नमेंट ऑफिसर है तो हमेशा कोई ना कोई आता है, तो इतना शोर रहता है, तो इसलिए कभी कभार तो मैं बाथरूम में ही पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बता तुम्हारा घर कहाँ है, वहाँ पढ़ाई कर लेती हूँ। दीदी चलो मैं दिखाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
अरे आंटी आप ये क्या कर रही हैं, आप चिंता ना कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, अनु अपना ऑनलाइन क्लास आराम से अटेंड कर रही है, वो भी हर रोज। वैसे बेटे अनु ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और मैंने भी, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, जैसे पोहा है और ये वड़ा पाव, कुछ बनाओ। अच्छा ठीक है आंटी आप बना दो, हम सब साथ में मिलके खाएंगे, लेकिन आंटी देख लो अगर मुझे पसंद आएगा तो हर रोज बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग वही हल्का फुल्का खा के रोज जीते हैं, तो मैं बनाती हूँ, तुम लोग पढ़ाई करो। वैसे भी 4-5 दिन तक तो आपकी चाय है ना ही कुछ खाना पीना पी पाऊंगी आपके घर का। क्यों बेटा? अरे आपको उन्होंने बताया नहीं, अभी 4-5 दिन की अनु की हॉलीडे है ना, और सीधा फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम है, तो मैं चौथे दिन पे आ जाऊंगी सुबह 10 बजे, 11 बजे अनु की परीक्षा है ना। हाँ लेकिन दीदी भूलना मत, अगर आप नहीं आओगे तो मैं फाइनल एग्जाम आपके लैपटॉप के बिना नहीं दे पाऊंगी। लो ये भी कोई भूलने वाली बात है। सरकारी काम भी ना बड़ा अजीब होता है, कुछ ना कुछ झंझट लगा ही रहता है, ऊपर बड़े ऑफिसर खुश करो, नीचे पब्लिक को, और कुछ गड़बड़ हुआ तो ट्रांसफर लेटर हाथ में। अरे अभी बेटा कहाँ थी तू, मम्मी कब से तुझे खोज रही थी? अरे मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी। तो अच्छी बात है बेटा, आज तो बहुत सारे लोग आए थे, तू यहाँ होती तो डिस्टर्ब हो जाती। हाँ इसलिए तो, वरना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मुझे बिल्कुल पढ़ने को ही नहीं होता है, अभी मैं हर रोज वहीं जाया करूंगी और पढ़ाई करके आ जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो मेरा आधा मन तेरे ऊपर ही लगा रहता है। हाँ अभी आप आराम से अपना काम कीजिए और मैं आराम से पढ़ाई। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हम क्यों, कहाँ? अरे बेटा मेरा दिल्ली ट्रांसफर हो गया, कल की कल सुबह मुझे 4 संभालना है, और अगर लेट हुआ तो रिज्यूम फ्रॉम सर्विस भी हो सकता है। क्या? आपको मालूम है आजकल गवर्नमेंट ऑफिस में मामला बहुत गर्म चल रहा है, लास्ट ट्रांसफर के टाइम दोनों की नौकरी चली गई थी बेटा। और सुनो मम्मी का पैकिंग हो गया है, तुम्हारा पैकिंग फटाफट कर लो, शाम की फ्लाइट है। बट बेटा एक दिन क्लास अटेंड करके क्या फायदा? अरे आंटी मैं हूँ ना, मैं हर रोज आया करूंगी, जब भी अनु की ऑनलाइन क्लासेस का टाइम रहेगा तो मैं आ जाया करूंगी, और अनु ये लैपटॉप से अपनी क्लासेस अटेंड करेगी और मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगी। ठीक है पापा। माँ माँ आपको याद है ना आज मेरी परीक्षा है 2 घंटे बाद यानी 11 बजे। अरे हाँ बेटा याद है ना, मैं सवेरे सवेरे उठ के चाय नाश्ता सब बना के तैयार कर लिया ताकि तेरे एग्जाम के टाइम कोई डिस्टर्ब ना हो। और हाँ वो तेरी लैपटॉप वाली सहेली भी तो आती होगी, रोज आते आते ना एक फैमिली मेंबर जैसे हो गई है, 2 दिनों से नहीं आ रही है तो बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ माँ मैंने भी 2 दिन से नोटिस किया, यहाँ तक मैं इनको सोसाइटी की आजू बाजू टहलती थी जिससे अगर बाहर निकले तो दिख जाए, लेकिन कभी दिखी ही नहीं। अरे वो क्या है ना, वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही होगी, तो फोन कर लेती उसको। हाँ माँ मैं फोन करती, लेकिन आपको पता है ना वो हर रोज टाइम पर आती थी तो फोन नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ जाएगी बेटा आ जाएगी। अरे यार मम्मा मम्मा आयु दीदी अभी तक लैपटॉप लेके आई नहीं, तुमने बोला था 10 बजे आएगी लेकिन 10:15 हो गए हैं। अरे आ जाएगी बेटा, उसे नहीं आ रही है ना तो पैन के तो गड़बड़ हो गया। मम्मा अगर वो नहीं आई तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, उसने तो खुद ही बोला था ना कि परीक्षा के दिन 10 बजे आ जाएगी और 11 बजे से परीक्षा है, आती होगी। लैपटॉप नहीं है, उनको तो सिर्फ
तुम्हें परीक्षा का रिजल्ट चाहिए होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन उनके वॉचमैन को पता होगा। चलो चलो चलो। अंकल अंकल, आई दीदी का घर कौन सा है? क्या काम है? बहुत ही अर्जेंट काम है। धन्यवाद मत बोलो, अभी तो हम सब फैमिली हैं।